दरवा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च काजू पनीर। ये एकदम वेज बनेगा और इसका टेस्ट एकदम अच्छा निकल के आता है और एकदम फटाफट से बन जाता है ये। तो देख लेंगे इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी हमें। ये हमारे पास है शिमला मिर्च, इसको रफली चॉप कर लिए हम, देख लीजिए इस तरह से। दो शिमला मिर्च है यहाँ पे, उसको इस तरह से काट लेना है आपको। यहाँ पे 200 ग्राम पनीर है, पनीर को इस तरह से आप क्यूब्स में काट सकते हैं, देख लीजिए। ये है लगभग 50 ग्राम काजू भिगोया हुआ 5 से 10 मिनट। और ये है हमारे पास मसाले, ये अदरक 1 से 2 इंच तक लग, ये 1 और आधा छोटा चम्मच जीरा है, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से लें। यहाँ काजू है, ये काजू को पेस्ट कर लेना अच्छे से, ये मसाले को भी अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे ले लिया हम 3 बड़े चम्मच तेल। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जीरा डालेंगे। ये 1 सूखी हुई लाल मिर्च तोड़ के, ये 2 तेज पत्ते, अब इसमें हम ये अपना जो मसाले है वो डाल देंगे। मसाला को अच्छी तरह से पीस लिया है पानी डाल के, वो डाल दिया। अब इसको चला लें। अच्छे से चला लें इसको इस तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अभी ज़्यादा नहीं डालना है पानी, हल्का पानी डाल के इसको इस तरह से चला लें। अब यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर बिल्कुल हल्का डालना है और इसको इस तरह से चला लेना है। एक से 1.5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका रंग जो है पहले से बदल चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अपने शिमला मिर्च जो हमने काट के रखे थे। लहसुन प्याज क्योंकि नहीं है तो इसीलिए पकने में इसको मसाले को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको इस तरह से मिला लें। मसाले को शिमला मिर्च में मिला लेना है अच्छे से। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का हल्का मिला लेना है आपको। आधा 1 मिनट इसको आपको करना है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे पानी लगभग 1 कप। यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया, इसको मिला लें मसाले को पानी में इस तरह से। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए उबल चुका है अच्छी तरीके से। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला है। अच्छे से ये उबल चुका है, पक चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अपना ये काजू, काजू को अच्छी तरीके से पीस लिया है हमने,
ये डाल देंगे इसमें पूरा। अब इसको मिलाएंगे। ये काजू डालने के बाद ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। इसको मिला लें अच्छे तरीके से। इसको इस तरह से मिला लें। इसको एक आध दो मिनट पका लेंगे। देखिए इस, देखिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये ठीक हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये और ठीक होगा, उबल चुका है अच्छी तरीके से ये दो मिनट तक। अब इसमें डाल देंगे हम अपने पनीर। आप चाहें तो पनीर को थोड़ा सा टॉस कर सकते हैं तेल में या बटर में। पनीर डाल देंगे हम अपने सारे। ये क्योंकि इसमें लहसुन प्याज है नहीं तो मसाले को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है ये और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन डिश है। आप ज़रूर ट्राई करें इसे एक बार, आप खुद भी ट्राई करें और सबको खिलाएं। ये हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। इसे आप रोटी चावल किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।